की आयास्य संज्ञा होने में हेतु इसी से आयास्य ने इस प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की। लोग इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं क्योंकि आस्य अर्थात मुख से निकलता है, क्योंकि यह आस्य अर्थात मुख से निकलता है, इसलिए आयास ऋषि ने प्राण रूप होकर ही इस प्राण में उद्गीत की उपासना की। यह इसका तात्पर्य है, अर्थात अन्य उपासक को भी अंग्रस आदि गुणों से युक्त आत्मस्वरूप प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अतः दलव के पुत्र बक ने पूर्वोक्त रूप से उसे जाना, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से प्राण में उद्गीत की उपासना की। वो नैमिषारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया। केवल अंगिरा आदि ने ही नहीं प्राण रूप उद्गीत की उपासना की थी, बल्कि दल के पुत्र बक ने भी उसे इसी प्रकार जाना था, अर्थात पूर्व प्रदर्शित प्राण का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ तथा इस प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से ही उसने उन नैमिषीय याज्ञिकों की कामनाओं का उनकी पूर्ति के लिए आगान किया।